बच्चों लोग आज के क्लास में सीखने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इसका मतलब क्या था ध्यान देना। बेसिकली आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ है एक रिलेशन देता है, ये आपको एक रिलेशन देगा। तो रिलेशन किसके बीच में आपको चाहिए, ये बेसिकली रिलेशन होता है आपका रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी एंड टाइम के बीच में। तो बेसिकली हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ में क्या सीखते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में बेसिकली हम सीखने वाले हम लोग एक रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी एंड टाइम के बीच में। तो बेसिकली आप एक रिलेशन फाइंड करना सीख रहे हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी एंड टाइम के बीच में, ठीक है। तो ध्यान देना जब भी कोई रिएक्शन दिया रहता है आपको, जैसे मान लेते हैं कि जब हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ सॉल्व कर रहे हैं, मेरा फोकस क्या रहता है कि हम रिएक्शन को सिंपलेस्ट मानते हैं, ठीक है। मैंने एक सिंपल रिएक्शन जूम करके हम आपके मैथमेटिक्स को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो हम जूम क्या करेंगे कि आपका आर से पी एक रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आर रिएक्टेंट है और पी क्या प्रोडक्ट है। हम रिएक्शन को कुछ ही मान सकते थे, हम रिएक्शन को कुछ ही मान सकते थे, आप ऐसा भी सोच सकते थे कि रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट जितना ज़्यादा आप रिएक्शन को बड़ा लिखोगे, जितना वेरिएबल इंक्लूड करोगे, उतना ही आपका मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। आप रिएक्शन को ऊपर भी सोच सकते थे, ऊपर लिख सकते थे आर से पी और नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है। बट हम इसको चूज करेंगे क्योंकि लॉजिक क्या है, रिएक्शन जितना सिंपल रहेगा उतना मैथमेटिकल डेरिवेशन आसान रहेगा। क्योंकि हम लोग करने क्या वाले हैं, हम एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालने वाले हैं, उसके में लोग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जितना बड़ा रिएक्शन लिखोगे ना, उसके लिए आंसर देखो आपको एक रिलेशन या फिर आपको एक लिंकेज फाइंड करना है। तो लिंकेज को मतलब नहीं कि आप छोटा रिएक्शन लिखो या बड़ा रिएक्शन लिखो, यानी जो आपका फाइनल जो डेरिवेशन आने वाला है वो सारे टाइप के रिएक्शन के लिए सही रहेगा, ठीक है। तो जब डेरिवेशन को हम लोग जब डेरिवेशन करते हैं तो अपने मैथमेटिक्स को सिंपल रखने के लिए हम सिंपलेस्ट रिएक्शन चूज करते हैं डिराइव करेंगे रिलेशन को, यानी हम रिएक्शन ऐसा चूज करेंगे और इस रिएक्शन को चूज करके हम अपना डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है, ताकि अपना मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी कम रहे। लेकिन ध्यान देना यहाँ से जो आप रिलेशन निकालोगे उस वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ रिएक्शन, यहाँ से जो भी आप रिलेशन डिराइव करने वाले हो विल बी वैलिड फॉर एनी रिएक्शन, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो हम सिंपलेस्ट रिएक्शन को जूम करके हम रिएक्शन को सॉल्व करेंगे, यानी अपना एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, उस रिलेशन का यूज आप कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान है तो हम लोग को ये समझ में आया कि हमको रिएक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के अपना काम करना है। तो आपका जो रिएक्शन ऐसा रहेगा, तो रिएक्शन रहेगा आपका आर से पी। अभी रिएक्शंस एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स हमको नहीं पता है, रिएक्शन सिंगल स्टेप में है कि मल्टीपल स्टेप में हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा इस रिएक्शन का आपको रेट लॉ लिखना है, इसका रेट लॉ कैसे लिखोगे, तो अगर ध्यान देना अगर ये आपको रेट लॉ लिखना है तो इसका आपको रेट लॉ लिखना है, तो अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री होता, ठीक है, अगर एलिमेंट्री होता उस केस में आपका रेट लॉ क्या होता, तो रेट लॉ को बहुत सिंपली, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है आर का 1 है, तो रेट को आप के और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर लिख सकते हो। तो किसी भी टाइम का जो रेट होगा, तो रेट एट एंड टाइम टी इक्वल टू क्या होगा, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, ये होता आपका रेट। तो कब होता, जब एलिमेंट्री होता, और जब रिएक्शन आपका कॉम्प्लेक्स होता तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप क्या सीखोगे, उसके लिए हमको मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए था, और उस मैकेनिज्म का हम यूज करके
हम रेट लॉक लिख सकते थे के आर, और यहाँ पे पावर इसका एन होता है, तो रेट एट एनी टाइम टी, रेट एट एनी टाइम टी इक्वल टू के टी आर का पावर एन। यहाँ पे एन क्या होता है, एन होता है यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इस एलिमेंट्री होता है, इसमें क्या होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है, वन हो जाता है। इस क्वेश्चन में इसका ऑर्डर वन हो जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। बट हम क्या बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं है कि रिएक्शन कैसा है, हमको पता नहीं, तो हम इसको एलिमेंट्री या कॉम एलिमेंट्री नहीं मानेंगे, तो इन जनरल क्या होगा। तो अगर हमको पता है, इन अगर हमको पता नहीं है कि रिएक्शन एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, तो इन जनरल आप लोग सोचोगे कि ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इन जनरल क्या होता है, रेट लॉ कैसे लिखोगे, तो रेट इक्वल लिखोगे के आर का पावर एन, ठीक है, ये आपको सोचना है इन जनरल। तो इन जनरल क्या लिख सकते, इन जनरल हम लिख सकते हैं रेट इक्वल टू क्या होगा, के आर का पावर एन, के आर का पावर एन, ये होगा इन जनरल, ये होगा आपका इन जनरल, ठीक है। अब ध्यान देना, तो अब ध्यान देना, अब क्वेश्चन अगर आपको दिया रहेगा तो आपको पता है कि इन जनरल आपका रेट लॉ क्या है, तो रेट लॉ आप लिख सकते हो के आर का पावर एन, और क्वेश्चन में बोल देगा कि एन जीरो है, एन जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। एन अगर वन रहेगा तो क्या होगा, उसको बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये कुछ भी हो सकता है, एन टू हो तो क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये ऐसे आगे बढ़ सकता है, एन थ्री एन फोर ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको एन आपको क्या कर सकता है, तो आपको आपको एन बता सकता है, ठीक है। तो एन बता देगा तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे, ठीक। तो ये रहा आपको रेट लॉ कैसे लिखना है। अब हमको फोकस करना है कि इस रेट लॉ का यूज करके हमको रिलेशन फाइंड करना है। मेरा फोकस क्या है, रेट लॉ का यूज करके हमको रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको इंटीग्रेटेड रेट लॉ फाइंड करना है, यानी हमको पता करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम में रिलेशन क्या होता है विथ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर। यानी अगर रिएक्शन का ऑर्डर अलग अलग होगा तो उस केस में क्या होगा कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और टाइम में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो यही होता है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। रेट लॉ हम डिराइव कैसे करेंगे, तो रेट और रेट लॉ का यूज करके हम डिराइव करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग डिराइवेशन पे, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन का, इन डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट लॉ हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक। तो मेरा पहला फोकस है कि अगर आपके रिएक्शन का ऑर्डर जीरो हो, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी रिएक्शन का आर से पी का रेट लॉ इन जनरल क्या होता है, इन जनरल होता है रेट इक्वल टू के आर का पावर एन होता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर क्या होगा, एन होगा। अब इसमें बोला क्या होगा कि एन क्या जीरो है, एन जीरो पुट करो तो क्या होगा उसके समय रेट, तो रेट को हम लिख सकते हैं रेट इक्वल टू क्या होगा के और आर का पावर जीरो। अब किसी भी क्वांटिटी का जीरो पावर क्या होता है, वन होता है, तो आप रेट को के लिख सकते हो। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करने के लायक है कि जीरो ऑर्डर का जो रेट होता है कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है ना, तो ध्यान देना रेट ऑफ जीरो ऑर्डर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर इज कांस्टेंट, तो आपसे अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि आपके रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, इसका मतलब ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट, आपके जीरो ऑर्डर का रेट क्या हो रहा है, चलो कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान देना। और ध्यान है कि अगर आपका यहाँ पे आर से पी रिएक्शन है और हम ज़ूम करें कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, तो देखो रेट को लिखने का दो तरीका होता है, ठीक है।
तो रेट का एक डिफरेंशियल फॉर्म होता है, रेट ऑफ रेशन है दो तरीके का, एक है डिफरेंशियल फॉर्म और एक है रेट लॉ, ठीक है। तो डिफरेंशियल फॉर्म में आप लोग क्या सीखे हो, जैसे रेशन का रेट क्या होता था, माइनस डी आई, चूंकि आर रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट है, आर आपका रिएक्टेंट है और पी क्या है, पी आपका प्रोडक्ट है, तो रेट अगर हम आर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस डी आई डीटी। माइनस एन बाहर क्यों लगाए हैं, क्योंकि आर क्या रिएक्टेंट है और आर का कोफिशियंट चूंकि वन है तो इसलिए नीचे डिवाइड वन से किया हुआ है, ठीक है। पी क्या प्रोडक्ट है, अगर हम रेट को लिखना चाहते हैं पी के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, डी पी बाई डी टी। पी का यहाँ पे कोफिशियंट क्या वन है, तो यहाँ पे वन से डिवाइड करना है, ठीक है। ये हो गया रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब रेट लॉ को यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो रेट इक्वल टू क्या है, के इंटू आर आर का पावर जीरो। अब आर का पावर जीरो मतलब क्या होता है, उसको वन मान लेंगे। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, आपको निकालना है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में रिलेशन। तो इसमें मेरे को जरूरत किसका पड़ेगा, तो मेरे को जरूरत पड़ेगा डी आर बाई डी टी का। तो डिफरेंशियल रेट को रेट लॉ से इक्वेट करेंगे, यानी हमको रिलेशन जब फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं, तो रेट निकालने का दो तरीका, एक है डिफरेंशियल फॉर्म और एक है रेट लॉ। दोनों का रेट को हम लोग इक्वेट करेंगे तो उससे हम लोग अपना रिलेशन फाइंड करते हैं, उससे अपना हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, तो माइनस डी आई डी टी इक्वल टू क्या होगा, के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक। अब इसको हमको आर और टाइम में रिलेशन फाइंड करना है, तो यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमको आर यानी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और टाइम में हमको रिलेशन मिल जाएगा, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, चलो आप लोग। ठीक है, अब देखो ना, तो हम लोग रिलेशन क्या निकालना, हम लोग निकाल चुके हैं कि माइनस डी बाई डी टी इक्वल टू के होता है। अब देखो ना, हमको आर और टी में रिलेशन निकालना है, तो जो डी टी वेरिएबल है उसको हम भेज दिए राइट साइड में, तो वो जाएगा माइनस डी आर और यहाँ पे के डी टी हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो टाइम का जो वैल्यू है, टाइम का वैल्यू जीरो से टाइम स्टार्ट हुआ है और टाइम टी पे गया है, ठीक है। और यहाँ जो डी आर है, तो यहाँ ना जो आपका आर है, तो टाइम जब जीरो होता है, जब टाइम क्या होता है, टाइम जीरो होता है, ठीक है। तो टाइम जीरो होगा तो जो आर का वैल्यू होता है उसको बोला गया आर नॉट, यानी बिगिनिंग का कॉन्सेंट्रेशन। टाइम टी पे वैल्यू को बोला गया है आर टी, ठीक है। एंड टाइम टी पे टी टाइम का कॉन्सेंट्रेशन को बोला गया आर टी और टाइम जीरो का कॉन्सेंट्रेशन को बोला गया आर नॉट, ठीक है। तो टाइम जीरो पे जब था तो उस टाइम कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट है, तो आर का जो लिमिट होगा वो आर नॉट से आर टी जाएगा, आर नॉट से आर टी जाएगा, ठीक है। अवधारणा चूंकि यहाँ पे देखोगे राइट में के कांस्टेंट है, तो के कांस्टेंट है तो बस इंटीग्रेशन में डी टी आएगा, तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है, तो टी होगा तो लिमिट क्या पुट करो, उसका जीरो से लेकर टी लिमिट पुट करोगे। और यहाँ पे चूंकि माइनस साइन है आपका, यहाँ पे डी आर के सामने माइनस साइन है, तो माइनस साइन हटाएंगे तो ऊपर जो लिमिट होता है, इंटीग्रेशन का लिमिट होता है, वो इंटरचेंज कर जाएगा, आर नॉट ऊपर चला जाएगा, आर टी नीचे आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि डी आर का इंटीग्रेशन आर होगा, आर का लिमिट क्या पुट करेंगे हम सिस्टम में, लिमिट पुट करेंगे आर नोट आर टी पुट करेंगे, ठीक है। तो ये लिमिट है, अब लिमिट को जब पुट करोगे तो ध्यान देना आपका रिलेशन निकल के आ जाएगा। तो रिलेशन क्या निकलेगा, चलो रिलेशन निकल के आ जाएगा, आर नोट माइनस आर टी इक्वल टू के टी इक्वल टू के टी। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसमें आपका इस रिलेशन में वेरिएबल कौन कौन है, तो टाइम वेरिएबल है और आर टी वेरिएबल है, बाकी आर नोट कॉन्स्टेंट है, के कॉन्स्टेंट है। आर नोट का मतलब क्या होता है, टाइम जीरो का कॉन्सेंट्रेशन, और के मतलब क्या, रेट कॉन्स्टेंट। जो आर टी होगा, आर टी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, तो अगर टाइम चेंज करेगा तो क्या हो, आर टी भी चेंज करेगा, टाइम चेंज करेगा तो क्या हो, आर टी भी चेंज करेगा। तो इसमें ध्यान देना, इसमें आपका आर टी और टाइम वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है,
ठीक है। तो यहाँ से ध्यान देना, तो यहाँ से एक इसमें टाइम इक्वल क्या ले सकते हो, तो अब टाइम कर्वर इंटरचेंज करो तो टाइम इक्वल क्या होगा, आर नॉट माइनस आर टी बाई के, तो ये होगा आपका टाइम का रिलेशन, ये होगा आपका टाइम का रिलेशन, ठीक है। ध्यान देना, अगर हमसे पूछा जाएगा कि आर टी वर्सेस टी में क्या क्या रिलेशन होगा, तो ऐसे भी हम ले सकते हैं आर टी इक्वल टू क्या होगा, आर नॉट माइनस के टी, आर नॉट माइनस के टी, उसको आप अरेंज करके ऐसा ले सकते हो, उसको अरेंज करके आप ऐसा ले सकते हो आर टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ठीक है। अब ऐसा करने का लॉजिक क्या है, तो कभी कभी आपसे ग्राफ पूछता है, कभी कभी बोलेगा कि ग्राफ बताओ, तो पहला ग्राफ है जो जीरो ऑर्डर में सीखेंगे, ग्राफ में ध्यान देना, अगर आपसे पूछेगा कि रेट एंड टाइम में क्या रहेगा, रेट और टाइम में ग्राफ कैसा रहेगा, तो आपको पता है कि जीरो ऑर्डर रिलेशन में क्या होता है, रेट इक्वल टू के होता है, तो रेट इक्वल टू के मतलब कांस्टेंट होगा, तो रेट टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, तो टाइम आपका बढ़ेगा तो भी रेट का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो रेट का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, के रहेगा, यानी के मतलब सेम रहेगा, यानी आपका जो वाई इंटरसेप्ट है वो आपको बताता है के का वैल्यू, बताता है वो के का वैल्यू, तो ये रहेगा दामन, तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ समझ में आ गया आपको। कभी कभी उसे पूछता है कि ग्राफ प्लॉट करो आर टी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम के बीच का ग्राफ बताओ, ठीक है। बता देना आप आर टी को वाई मान रहे हो अपने लिए, तो आर टी अगर वाई होगा और टाइम आपका एक्स होगा, ठीक है, तो आर नोट क्या होगा, आर नोट होगा आपका इंटरसेप्ट सी के इक्विवेलेंट होगा, और माइनस के क्या होगा, माइनस के जो होगा आपका स्लोप होगा, ये होगा एम के इक्विवेलेंट। तो इसको अगर हम इस रिलेशन को कंपेयर करें वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, एम हो गया स्लोप हो गया माइनस के, यानी स्लोप निगेटिव है, और आर नोट का इंटरसेप्ट है, तो आर नोट क्या है, पॉजिटिव है, तो आपका ग्राफ ऊपर से चालू होगा, आपका ग्राफ ऊपर से चालू होगा, और जो अपर पॉइंट है इंटरसेप्ट है वो किसके इक्वल होगा, इंटरसेप्ट इक्वल टू होगा आर नोट, होगी इक्वल टू आर नोट, और ध्यान है क्योंकि आपका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या हो, लाइन नीचे की तरफ मूव करेगा, लाइन नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और यहाँ जो थीटा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विथ हॉरिजॉन्टल, उसका टैन थीटा क्या होगा, इक्वल टू माइनस के, तो स्लोप का वैल्यू कितना दिया सिस्टम में, तो स्लोप का वैल्यू क्या है, माइनस के है, जो टैन थीटा होगा, टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा, माइनस के, कौन सा थीटा, एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन में जो एंगल है उस थीटा का हम बात करना है, तो थीटा वैल्यू क्या होगा, ये टैन थीटा इक्वल टू माइनस के, ठीक है, एंड स्लोप इक्वल टू क्या होगा, माइनस के, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, अब अगर यहाँ से एंगल पता करते होता है, सो आप अल्फा बोल रहे हो, तो आप टेन अल्फा को के लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो टेन अल्फा को के लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ जो थीटा है ये 90 से बड़ा है, तो उसका टेन थीटा नेगेटिव होगा, तो ये के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे जो हम अल्फा माने, अल्फा का वैल्यू क्या 90 छोटा है, तो उसका टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर के का वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपका के का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर बड़ा एंगल चूज करके तुम बना रहे हो, तो ये लॉजिकली आपका स्लोप यही होता है, स्लोप मतलब एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जो भी थीटा है उसका टेन थीटा लो, वो आपका स्लोप बताता है, ठीक है। तो उस केस में टेन थीटा चूंकि 90 से बड़ा एंगल है, तो टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ बाहर माइनस के लगा हुआ है, ठीक है, तो माइनस के से माइनस माइनस मिल के क्या होगा, के हो जाएगा प्लस, ठीक है। और हम जब अल्फा का बात करें, तो अल्फा में टेन थीटा चूंकि एक्यूट एंगल है, तो टेन अल्फा क्या पॉजिटिव होगा, तो वही क्या होगा, के बराबर हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, चलो ठीक है, चलो ठीक है, आप समझ में आए आप लोग को। अब ध्यान है ना, आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक रिलेशन सीखते हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, इसको ध्यान समझो। आप मान लेते कोई रिलेशन आपका आर से पी जा रहा है, मान लेते कोई रिलेशन आपका आर से पी जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, जैसे आप मूव करोगे तो टाइम के साथ क्या होगा, टाइम के साथ क्या होता है, आपका जो आर होता है, आपका आर कंज्यूम होता है, ठीक है। तो अगर मान लेते कि जित
तो आर अगर कंज्यूम होगा तो कितना आर बचेगा, तो बोला गया है आरटी मतलब क्या होता है, आरटी का मतलब होता है कितना आर बचा हुआ है। तो अगर मान लेते हैं कि आरटी क्या होगा, तो आर नोट, आर नोट का अमाउंट मतलब क्या होता है कि कितना आपका रिटर्न था, यानी आप स्टार्टिंग रिटर्न कितना था और उसमें से कंज्यूम मतलब कितना कंज्यूम हो चुका है। तो आरटी का लोग क्या है, आर नोट माइनस आर कंज्यूम, माइनस आर कंज्यूम, ठीक है। तो आरटी का अमाउंट मतलब क्या होगा, तो बिगनिंग का कॉन्सेंट्रेशन आर नोट कितना लिए हो और कितना कंज्यूम हुआ उसको माइनस कर दो तो बचेगा, आरटी मिलेगा। तो बताओ ना, अगर बोलते हैं कि टाइम जीरो पे कंज्यूम कितना होता है, रिटर्न जीरो होता है, उस केस में आरटी का वैल्यू क्या होगा, तो आरटी के वैल्यू में आर कंज्यूम को जीरो पुट कर दो तो अपने आप आ जाएगा आर नोट, ठीक। अगर बोलेंगे टी हाफ, टी हाफ का मतलब होता है आधा रिएक्शन पूरा होना, यानी आपका 50% रिएक्शन क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। तो 50% रिएक्शन पूरा होना मतलब क्या होगा, आपका जो आधा रिएक्टेंट है यानी 50% जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो चुका है, इतना कंज्यूम होगा तो बचा है कितना, तो आप आर नोट में से कंज्यूम्ड वैल्यू को माइनस कर दो, यानी इतना माइनस कर दो, क्या होगा तो बचेगा आर नोट बाई टू बचेगा, यानी टी हाफ पॉइंट पे आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा, तो बचेगा आधा, जितना लिए थे उसका आधा बचेगा, तो होता है टी हाफ पॉइंट। टी हाफ पॉइंट का मतलब है कि आपका 50% रिएक्शन पूरा हो चुका है, आपका 50% रिएक्शन पूरा हो चुका है तो कितना कॉन्सेंट्रेशन बचेगा, तो बचेगा आपका आर नोट बाई टू बचेगा, ठीक। ये होगा टी हाफ के वैल्यू। अब आते हैं हम लोग टी वन बाई फोर पे। टी वन बाई फोर का मतलब है कि आपका जो यानी आपका रेशन वन बाई फोर्थ खत्म हुआ है, आपका रेशन वन बाई फोर्थ खत्म हुआ है तो आपका कंज्यूम पार्ट कितना होगा, तो रेशन में रिटर्न में कंज्यूम होगा आर नोट बाई फोर कंज्यूम होगा, तो कितना बचेगा यानी आर टी कितना हुआ जी, तो कंज्यूम जो वैल्यू है उसको आर नोट से माइनस कर दो तो डाल दो तो आ जाएगा 3 R0/4 आपके सिस्टम में बचेगा अमाउंट। अगर बोला रहा है क्वेश्चन में T.99 का मतलब है आपका रेशन का 99% पार्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। तो यानी 0.99 आर नोट कंज्यूम हो चुका है, रेशन 99% खत्म होने का मतलब क्या होगा, 0.99 आर नोट खत्म हो चुका है तो बचा है कितना, तो आर टी कितना बचा है, तो आर टी बचेगा 0.01 आर नोट बचेगा। सिमिलरली अगर बोलेंगे टाइम 0.999 है, इसका मतलब है आपका रेशन 99.9% खत्म हो चुका है, इतना खत्म हो जाएगा तो यही आपका जो कंज्यूम जो है, आपका रिटर्न जो कंज्यूम होगा वो 0.999 आर नोट कंज्यूम होगा, तो बचेगा कितना, तो बचेगा 0.001 आर नोट बचेगा, इतना अमाउंट बचेगा, ठीक है, इतना अमाउंट बचेगा। और क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि टाइम होगा इनफाइनाइट, टाइम होगा इनफाइनाइट, तो रेशन अगर इनफाइनाइट टाइम के लिए आप करोगे आपका सारा रिटर्न क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है, आपका जो आर कंज्यूम हो जाएगा इक्वल टू आर नॉट हो जाएगा और आर बचेगा कितना, तो आर बचेगा जीरो, आर बचेगा जीरो, ठीक है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है आपको ध्यान से रखना है क्योंकि इसका यूज हम आगे करने वाले हैं, इसका यूज हम लोग आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान देना हम लोग कहाँ पे थे, चलो तो हम लोग थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे, हम लोग थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। तो हम बोल रहे हैं कि अगर आपका टाइम टी हाफ होगा, हम बोल रहे हैं आपका टाइम इक्वल टू टी हाफ होगा, उस टाइम में आपका जो आर टी का वैल्यू है यानी कितना अमाउंट बचेगा, तो आपको पता है कि कंज्यूम्ड होगा 50%, तो बचेगा कितना, बचेगा 50%। तो आप क्या करो, आर टी के वैल्यू में पुट कर दो, आर नोट बाई टू पुट कर दोगे और टाइम जो है टाइम के वैल्यू को टाइम के वैल्यू में पुट कर दो टी हाफ, ठीक है, टाइम के वैल्यू पुट कर दो टी हाफ, यहाँ पे क्या निकल के जाएगा, तो टी हाफ इक्वल टू निकल के आ जाएगा आर नोट बाई टू के, आर नोट बाई टू के। तो टी हाफ का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो ऑर्डरेशन के लिए, ये कब है, जब एन इक्वल टू जीरो है, यानी जीरो, यानी जीरो ऑर्डरेशन के लिए। तो जीरो ऑर्डरेशन में आपका जो टी हाफ है और आर नोट है रिलेशन क्या हो जाएगा, तो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा आर नोट बाई टू के, ठीक है, टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा आर नोट बाई टू के। इसको आपको रिमेम्बर करना है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इन केस आपको आपको बोला जाए कि अगर मेरा टाइम है टी वन बाई फोर, इसका मतलब क्या होगा, आपका जो आर टी कितना बचेगा, तो टी वन बाई फोर का मतलब है आपका वन बाई फोर्थ रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है, तो आर टी कितना बचेगा, तो आर टी बचेगा 3 R0/4 बचेगा भी आपके पास, तो आप आर टी के वैल्यू में इतना पुट कर दो और टाइम पुट कर दो, टी वन बाई फोर पुट कर दो, अल्टीमेटली टी वन बाई फोर का मतलब क्या आ रहा है,
ये हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट बाई फोर के, आर नॉट बाई फोर के ठीक है। अब ध्यान देना तो इसमें आपको रिलेशन दिख रहा होगा, रिलेशन क्या दिख रहा होगा, जब आप यहाँ पर टी हाफ लिखे हो तो गौर करना यहाँ पे जो आर नॉट बाई के का रेशियो है उसको आप हाँ से हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो आ रहा है। यहाँ पर टी वन वन बाई फोर लिखो हो, यहाँ पर अल्टीमेटली क्या आ रहा है, यहाँ पे जो आर नॉट बाई के का जो रेशियो है उसको आप वन बाई फोर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यही बोल रहे हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि टी एक्स लिखा रहेगा तो कुछ नहीं करना है, वो करना क्या है, आर नॉट बाई के रेशियो को आप एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, आर नॉट बाई के रेशियो को आपको एक्स से मल्टीप्लाई करना है। कब वैलिड होगा, तो वैलिड होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये सारा चीज़ वैलिड होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे जो भी हम टाइम इंटरवल का बात कर रहे हैं, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हम कोई भी टाइम इंटरवल जो बात कर रहे हैं वो क्या है, वो आर नॉट बाई के का प्रोपोर्शन है, वो आर नॉट बाई के प्रोपोर्शन है। अब इसमें आर नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर एनी टाइम इंटरवल अगर एन ऑर्डर अगर जीरो होगा तो आपका जो टाइम इंटरवल है वो प्रोपोर्शन टू होता है आर नॉट और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू होता है के, यानी के का वैल्यू बढ़ाओगे तो टाइम इंटरवल घटेगा और अगर आर नॉट बढ़ा होगा तो टाइम जो टाइम है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फॉर सेम अमाउंट ऑफ रिएक्शन टाइम विल इंक्रीज, अगर आप आर नॉट बढ़ाओगे और के बढ़ाओगे तो क्या होगा, फॉर सेम अमाउंट ऑफ रिएक्शन आपका टाइम क्या होगा, टाइम डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ध्यान ना यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करोगे और मुझे आंसर बताना आपको, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि जीरो आपको दिया हुआ है जीरो ऑर्डर रेशन, यानी रेशन का ऑर्डर जीरो है और बोला है कि टी हाफ का जो वैल्यू है वो 50 सेकेंड होगा जब आर नॉट का वैल्यू होगा 100। तो जब अगर आर नॉट का वैल्यू 25 हो जाए उस केस में टी हाफ का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। जल्दी से फास्ट इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप मुझे आंसर बताएंगे आप। चूंकि आपको क्वेश्चन में जीरो ऑर्डर बोला हुआ है तो आपको पता है कि टी हाफ और जीरो ऑर्डर क्या होता है, आर नॉट बाई टू क्या होता है, उसमें टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो आप बोल सकते हो कि टी हाफ और आर नॉट क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जिस प्रोपोर्शन में आपका आर नॉट घटेगा, तो यहाँ देखो अगर आर नॉट को हम 4 times घटा रहे हैं तो आपका टी हाफ भी 4 times घटेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 12.5 seconds हो जाएगा, ठीक है। दोनों आपस में प्रोपोर्शन होता है, तो जिस प्रोपोर्शन में आर नॉट घटेगा उसी प्रोपोर्शन में क्या होगा, टी हाफ घटेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 12.5 seconds, ठीक है। तो ध्यान देना, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर आर नॉट का वैल्यू लिखा हुआ 100 और आर टी दिया हुआ 20, तो आर नॉट दिया हुआ 100 और आर टी दिया हुआ है 20, तो उस केस मुझे बताओगे, और के दिया हुआ, के का वैल्यू दिया हुआ है 5 mole per liter per second दिया हुआ है, तो आपको बोला है आपको टाइम निकालना है, यानी आर नॉट दिया हुआ है, आर टी दिया हुआ है, के दिया हुआ है, तो क्या करना आपको, जी अब आर नॉट माइनस आर टी बाई के इक्वल टू टाइम होता है, इस इक्वेशन का यूज करो और वैल्यूज को पुट करो, मुझे टाइम बताओ, टाइम का आंसर क्या होगा फास्ट। तो इस क्वेश्चन में बस क्या करना था आप लोग बच्चों, इसको वैल्यू को पुट करना है, तो आपको दिख रहा है कि वैल्यूज को पुट करें तो क्या होगा, 100 minus 20 divided by 5, तो आपको दिख रहा होगा टाइम इक्वल टू इतना है, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 16 सेकेंड, आ जाएगा 16 सेकेंड, ठीक है। तो चलते हम लोग आगे मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
इसमें ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है, ग्राफ बोला है कि आरटी है और टाइम के बीच में ग्राफ पूछा, एक ग्राफ है, ठीक है। बोला है आपको इस क्वेश्चन में ऑर्डर क्या होगा पता करो, और के है, के का वैल्यू पता करो, ठीक है। जल्दी से फास्ट, आपको इस क्वेश्चन में आरटी वर्सेस टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है के का वैल्यू पता करो, ठीक है। आपको आर नॉट का वैल्यू पता करने बोला गया है, के है, आर नॉट का वैल्यू क्या होगा और ऑर्डर क्या होगा, इन तीनों को वो पता करना है आपको, ठीक है। बॉटम में यहाँ पे जो टाइम है, टाइम इस पॉइंट का टाइम को बोला गया 5 सेकंड, इन यहाँ तक का जो टाइम है उसको बोला गया 5 सेकंड, ठीक है। यहाँ का जो टाइम है उसको 5 बोला गया, क्या बोला गया है, 5 बोला गया है, ठीक है। जल्दी से फास्ट आंसर देंगे, ऑर्डर के एन आर नॉट के वैल्यूज को मुझे बताएंगे, रिलेशन का ऑर्डर क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा और आर नॉट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ना जब भी आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा और आरटी वर्सेस टाइम का रिलेशन अगर स्ट्रेट लाइन रहेगा, मतलब आरटी यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम का रिलेशन अगर ऐसा कुछ लाइन खींचा हुआ ना, ऐसा स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ऑर्डर होता है जीरो, ऑर्डर होगा जीरो, यानी इसमें ऑर्डर का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर आप फिल कर सकते हो, ऑर्डर का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं के का, तो यहाँ देखो, यहाँ लाइन देखो, यहाँ पे लाइन जो दिया हुआ है 45 है, जो tan 45 होगा वही के हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे देखो ट्राइंगल आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर नीचे इसका लेंथ 5 है तो ऊपर लेंथ क्या हो, 5 होगा, तो ऊपर जो आर नॉट का वैल्यू वो भी क्या होगा, 5 हो जाएगा, यानी आपका जो आर नॉट का वैल्यू है वो 5 हो जाएगा, तो 5 क्या हो जाएगा, 5 मोल पर लीटर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, तो 5 मोल पर लीटर हो जाएगा आर नॉट का वैल्यू। और के का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, आपको यूनिट लिखना पड़ेगा, तो 1 है तो 1 लिखने से काम नहीं चलेगा आपको, क्योंकि रेट 0 है, यानी ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर 0 है, 0 ऑर्डर का आपको यूनिट को भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मोल का पावर क्या होता है, 1 माइनस एन, आपका जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है जी, dr by dt इक्वल टू k r का पावर n होता है ना, तो रेट ऑफ इंट क्या होगा, r का पावर 1 माइनस n हो जाएगा, तो मोल का पावर 1 माइनस n, वॉल्यूम का पावर n माइनस 1, सेकंड इनवर्स ये होता है रेट ऑफ यूनिट होता है। तो अगर इसमें n को 0 पुट करेंगे, अगर n को 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा, तो मोल वॉल्यूम का पावर माइनस 1 एन सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा आपका यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, ये होगा आपका परफेक्ट आंसर, ठीक। इसमें कोई प्रॉब्लम है चलो तो पूछ सकते हैं। चलो हम लोग का जीरो ऑर्डर का सारा चीज खत्म कर चुके हैं। अब जीरो ऑर्डर में ध्यान देना, एक चीज और आपको नोट करना है कि अगर मान लो आपका अमाउंट बिगनिंग में 100 है, ठीक है, बिगनिंग में 100 है, ठीक है, तो 100 से अगर बोल रहे हैं कि यहाँ से 60,
तो 100 से 60 जाने में आपका जो टाइम है, ठीक है, या वैसे सोचना आप ऐसे सोचना कि 100 से आपको 50 आना है, तो आपका रेशन कितना कम्प्लीट हो रहा है, 50% कम्प्लीट हो रहा है, और 50 से आपको 25 आना है, तो भी क्या कितना परसेंट है, यहाँ पे 50% कम्प्लीशन है और यहाँ भी क्या 50% कम्प्लीशन है, तो दोनों का जो टाइम लगेगा, अगर यहाँ टाइम हम T1 बोल रहे हैं और यहाँ टाइम T2 बोल रहे हैं, तो T1 का जो टाइम का वैल्यू है वो लार्जर होगा देन T2, मतलब सेम टाइप का, मतलब रेशन का जो एक्सटेंट है उसको सेम अचीव करने के लिए टाइम T1 का वैल्यू T2 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, टाइम T1 का वैल्यू T2 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आपको लिंक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इससे सोचना, तो इसमें इसको मॉडिफाई कर लो, यहाँ पे जो है उसको मॉडिफाई कर लेना, आपको यहाँ 50 कर दो और यहाँ पे आप कर लो 25 कर दो, यानी बोला गया है कि सेम एक्सटेंट, यानी 50% यहाँ भी है तो यहाँ भी 50%, तो सेम एक्सटेंट का जो टाइम है वो अलग अलग होता है, तो जितना शुरू में होगा, जितना बिगनिंग में होगा, उससे टाइम ज़्यादा होगा देन बाद में, क्योंकि जैसे जैसे रेटिंग का अमाउंट घटेगा, आपका टाइम जो है उस इंटरवल को अचीव करने के लिए भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये ध्यान देना आपको। तो ये रहेगा ऑल अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, चलो आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे, ध्यान देना, रिएक्शन का अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा, तो मान लेते हैं कि आर से पी जो रिएक्शन है, अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो इसका रेट को कैसे लिखेंगे, तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम रेट को लिखते हैं तो लिख सकते हैं रेट इक्वल टू क्या होगा, -dr/dt, ये कैसा हो गया, तो होगा डिफरेंशियल रेट से, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट से लिख सकते हैं -dr/dt, माइनस एन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आर है रिएक्टेंट, और चूंकि आर का कोफिशियंट 1 है तो यहाँ पर 1 से डिवाइड किया गया, जो कि इसलिए आपको दिख नहीं रहा कुछ और, ठीक है। तो रेट इक्वल टू क्या होगा, -dr/dt, और यहाँ पे रेट लॉ का यूज करके हम लिख सकते हैं रेट को K r^1, r^1 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रेट ऑर्डर को हम क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं, ऑर्डर को हम 1 मान चुके हैं। अब क्या कर रहे हैं, हमको r और टाइम में रिलेशन निकालना, तो क्या करेंगे, पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, यानी यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारा फोकस क्या होगा, अगला फोकस होगा वेरिएबल सेपरेशन, यानी r को r के पास लेके आ जाएंगे और टाइम को अलग हटा देंगे, तो वेरिएबल को हम सेपरेट करेंगे, तो -dr/r एंड k dt, -dr/r एंड k dt, ठीक है। तो याद रखना, जब k dt का इंटीग्रेशन करोगे तो टाइम का जो लिमिट होगा उसको पुट करो, 0 से लेकर टाइम t तक पुट करोगे, को बाहर निकाल तो dt का जो इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर t तक होगा, और dr/r में जो नेगेटिव है, नेगेटिव से क्या होगा, वेरिएबल को क्या होगा, ऊपर नीचे वेरिएबल को इन लिमिट को आप इंटरचेंज कर सकते हो, तो यहाँ पर नेगेटिव से हटाने के लिए हम क्या किए, लिमिट को इंटरचेंज कर दिए हैं, तो यहाँ पे क्या dr/r है और यहाँ पे k dt है, ठीक है। अब ध्यान देना, तो आपको पता है कि dr/r का इंटीग्रेशन होता है ln r, क्या होता है ln r, आपको पता ना dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है, तो वही चीज यहाँ पे है, dr/r का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln r होगा, क्या होगा, ln r होगा, और लिमिट क्या होगा, लिमिट होगा r0 से rt, और यहाँ पे लिमिट क्या है, टाइम का लिमिट होगा t से 0 से t, लिमिट को पुट कर दो तो लेफ्ट में आ जाएगा ln r0 - ln rt, और राइट में क्या आ जाएगा, kt आ जाएगा, और को पता है कि ln a - ln b को आप क्या लिख सकते हो, तो ln a - ln b को लिखते हो ln a/b, तो यही यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ln r0 - ln rt को लिख सकते हैं ln r0 by rt, ln r0 by ln rt लिख सकते हैं। r0 क्या है, तो r0 है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0, और rt क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t दिया हुआ है, ठीक है।
ये ध्यान देना, तो ये लॉन, तो यहाँ पे एक पहला रिलेशन निकाल रहे हैं आपके लिए, तो के टी, के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉन आर नॉट बाई आर टी, ठीक है, ये आपको पहला रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर मान ले कि हम, अगर हम ई का पावर लेते हैं, ई ई का पावर लेते हैं, तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, तो ई का पावर के टी हो जाएगा, तो राइट में लॉन कैंसिल हो जाता है, तो बस क्या होगा, आर नॉट बाई आर टी होगा, आर नॉट बाई आर टी होगा। ई दोनों साइड अगर हम ई का पावर लेंगे तो लॉन और ई क्या होगा, कैंसिल कर जाता है, तो राइट साइड में हो जाएगा आर नॉट बाई आर टी हो जाएगा, और लेफ्ट में हो जाएगा ई का पावर के टी हो जाएगा। तो अगर हम आर टी को लिखना चाहते हैं तो आर टी इक्वल हो जाएगा आर नॉट ई टू पावर माइनस के टी, ये भी एक रिलेशन है, आर टी इक्वल क्या होगा आर नॉट ई टू पावर माइनस के टी, ये भी एक रिलेशन है आपके फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन के लिए, आपके फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन के लिए रिएक्टेंट और टाइम के बीच का, ठीक है। एक रिलेशन हो जाएगा के टी इक्वल टू लॉन आर नॉट बाई आर टी, और एक रिलेशन हो जाएगा आर टी इक्वल टू आर नॉट ई टू पावर माइनस के टी, ठीक है। ये रिलेशन आप सोच सकते हैं बच्चों लोग, अब ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि इस लॉन को हमको लॉग में चेंज करना है, तो आपको पता है कि लॉन कोई भी नंबर का लॉन को अगर लॉग में चेंज करना होता है तो यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होता है 2.303 लॉग ए, 2.303 लॉग ए, ठीक। वैसे मैं तो के टी इक्वल टू हो जाएगा 2.303 लॉग आर नॉट बाई आर टी, ठीक है, 2.303 लॉग आर नॉट बाई आर टी, ठीक है। ध्यान देना, तो ये हो गया कन्वर्जन फैक्टर के बाद, अब ध्यान देना, तो ये हो गया, अब यहाँ पे इस आर नॉट को लिख दिया गया ए और आर टी को लिख दिया ए माइनस एक्स, तो इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है। जूम किया गया है कि बीनी कॉन्सेंट्रेशन अगर ए आर नॉट ए होगा और अगर आपका एक्स कंज्यूम होगा तो आर टी कितना बचेगा, तो बचेगा ए माइनस एक्स बचेगा, तो ये यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम ही एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं आपके लिए। तो आपके पास रिलेशन क्या था जी, हमारे पास रिलेशन था के टी इक्वल टू, ठीक है, के टी इक्वल टू क्या था, लॉन आर नॉट बाई आर टी था, और इसको हम लिख सकते हैं लॉन आर नॉट माइनस लॉन आर टी। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल देखोगे तो लॉन आर टी वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे टाइम के साथ आर टी वेरी करेगा और टाइम वेरिएबल है, दो वेरिएबल आपके पास है, तो इसको हम लॉन आर टी को लेफ्ट में लेके आ जाता है, ऐसा हो जाएगा रिलेशन, लॉन आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस के टी प्लस लॉन आर नॉट, एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, एक रिलेशन आ जाएगा। तो वही चीज़ आपका यहाँ लिखा हुआ है कि लॉन आर टी माइन इक्वल टू क्या होगा, माइनस के टी प्लस लॉन आर नॉट। अब इसमें वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल लॉन आर टी है और टाइम है, तो अगर लॉन आर टी को आप वाई मानो और टाइम को अगर आप एक्स मानो, तो आपका जो लॉन माइनस लॉन के माइनस लॉग के माइनस के जो के होगा, जो माइनस के होगा स्लोप के इक्वलेंट होगा, और जो लोग जो लॉन आर टी है, जो लॉन आर नॉट है, उसी के इक्वलेंट होगा, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे वो लॉन आर टी वेरिएबल और टाइम वेरिएबल है, ठीक है, तो लॉन आर टी को अगर वाई मानते हो आप और टाइम को आप एक्स मानते हो, तो जो माइनस के है वो स्लोप के इक्वलेंट हो जाएगा, यानी एम के इक्वलेंट हो जाएगा, और जो लॉन आर नॉट है वो आपके वाई इंटरसेप्ट के इक्वलेंट हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है चूँकि k पॉजिटिव होता है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो स्लोप नेगेटिव होगा इसमें। अब ध्यान देना, आपको ये समझाना चाहिए कि
जो आर नोट का लॉन देखो ना, आर नोट और लॉन आर नोट का वैल्यू समझ में आ जाए आपको। अगर आर नोट का वैल्यू अगर वन से छोटा होता है उस केस में लॉन आर नोट का वैल्यू नेगेटिव होगा। अगर आर नोट का वैल्यू वन होगा उस केस में लॉन आर नोट क्या होता है, जीरो होता है। और अगर आर नोट का वैल्यू वन से बड़ा होगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब ना यानी हम बोल रहे हैं कि आपका जो लॉन आर नोट का वैल्यू है वो भी क्या होगा, उसके इनिशियल वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो उसका वैल्यू फिक्स तो है नहीं। इसमें हम तीन केस लेते हैं आपके लिए, इसमें हम तीन केस लेते हैं। मतलब बेसिकली हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर में हमको ग्राफ प्लॉट करना था लॉन आर टी वर्सेस टाइम में, लॉन आर टी वर्सेस टाइम में। आपको पता है कि लॉन आर टी वर्सेस टाइम का जो रिलेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर में, उसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, जीरो ऑर्डर में स्ट्रेट लाइन कब था जी, अगर एन जीरो था उस केस में लोग सीखे थे कि स्ट्रेट लाइन कब था, जब ऊपर होगा आर और नीचे होगा टाइम, उस केस में लाइन ऐसा था। लेकिन अगर आप बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, यानी जब फर्स्ट होगा तो उसमें क्या होगा, लॉन आर टी यानी लॉन आर टी वर्सेस टाइम में ग्राफ स्ट्रेट लाइन की तरह है। और इसमें जो स्ट्रेट लाइन हम प्लॉट कर रहे हैं उसमें वो डिपेंड करता है आर नोट के वैल्यू पे। अगर आर नोट का वैल्यू, अगर आर नोट का वैल्यू पे चलो और वन से छोटा होगा तो लॉन आर नोट क्या नेगेटिव होगा, यानी आपका ग्राफ नेगेटिव इंटरसेप्ट से स्टार्ट होगा। अगर आर नोट का वैल्यू वन होगा तो आपका लॉन आर नोट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो उसमें ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा, सब में स्लोप नेगेटिव होगा, सारे का स्लोप सेम माइनस के है। बाहर किस में लॉ जो इनिशियल आर नोट का वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरसेप्ट क्या होगा, चेंज करेगा। अगर आर नोट का वैल्यू वन से बड़ा होगा तो क्या होगा, आपका लॉन आर नोट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उस केस में आपका ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा। लेकिन नेचर सब में क्या है, सबका स्लोप चूंकि नेगेटिव है तो सब में क्या है, वो नीचे तरफ मूव कर रहा है। ये हो गया आपका लॉन आर टी वर्सेस टाइम का ग्राफ किसके लिए, जब आपका एन होगा यानी ऑर्डर होगा वन। ठीक है, तो लॉन आर टी वर्सेस टाइम में रिलेशन स्ट्रेट लाइन है जब ऑर्डर वन होगा, और आर टी वर्सेस टाइम में रिलेशन स्ट्रेट लाइन है जब ऑर्डर क्या होता है, जीरो होता है। जब ऑर्डर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है बच्चों लोग? ठीक है, आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि अगर मान लेते हैं कि आर टी वर्सेस टाइम रिलेशन क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर में, तो ध्यान देना हम लोग रिलेशन निकाल चुके हैं कि आर टी और टाइम रिलेशन हम निकाल चुके हैं आर नोट ई टू पावर माइनस के टी होता है। तो बोला गया है कि अगर आर टी वर्सेस टाइम रिलेशन पता करना है तो आप क्या बोलोगे कि आपका जो ग्राफ होगा वो एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ होगा, यानी आपका स्टार्टिंग यहाँ होगा। अगर अगर आपका ऑर्डर वन है उस केस में बोला गया ग्राफ जो होता है आर टी वर्सेस टाइम में एक्सपोनेंशियल डीके ग्राफ होता है, यानी स्टार्ट होगा आर नोट से और घटेगा, एक्सपोनेंशियली घटेगा। ठीक है, आपको रिलेशन दिख रहा होगा यहाँ से। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग, एक्सपोनेंशियल डीके कर रहा है ग्राफ। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमको रिलेशन निकालना है टी हाफ। अगर टी हाफ रिलेशन निकालना है तो ध्यान रहा आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन क्या था, तो ध्यान रहा के टी इक्वल टू क्या था, तो लॉन आर नोट बाई आर टी था आपके पास, ये था ना जी। अगर बोलते हैं कि टाइम को अगर हम पुट करेंगे टी हाफ, टाइम को पुट करेंगे टी हाफ, तो उस केस में आर टी कितना पुट करता, आर टी हो जाएगा आर नोट बाई टू पुट करोगे तो ऊपर पुट करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा के टी हाफ हो गया और यहाँ हो जाएगा लॉन आर नोट और डिवाइडेड बाई आर नोट बाई टू पुट कर दोगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तो के टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉन टू हो जाएगा। ठीक है, तो के टी यहाँ पे कर लो क्या होगा, लॉन टू हो जाएगा, लॉन टू हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना आपको, ये आपको ध्यान देना है।
केट यहाँ पे कर लो क्या होगा, लॉन टू हो जाएगा। अब था ना पे तो लॉन टू का जो वैल्यू होता है, लॉन टू का वैल्यू क्या होता है ना, लॉन टू का वैल्यू होता है 0.693। क्या होता है 0.693 होता है। हम बोल सकते हैं तो इसको आप ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हो, इसको आप ऑलमोस्ट 0.7 लिख सकते हो। तो टी यहाँ पे तो अल्टीमेटली आपके पास टी यहाँ पे कर लो क्या होगा, 0.693 पे आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, या इसको आप ऑलमोस्ट 0.7 बाई के लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपका टी हाफ का रिलेशन आ जाएगा, ये आपका टी हाफ का और के का रिलेशन है किसके लिए, तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ध्यान देना यहाँ का जो टी हाफ है उसमें सारा चीज़ कॉन्स्टेंट है, टी हाफ में यहाँ पर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन का टर्म नहीं है। मतलब क्या है, आपका जो टी हाफ का वैल्यू होता है यानी 50% जो रिएक्शन का जो वैल्यू है उसका जो टाइम इंटरवल है यानी जो टाइम लगेगा वो टाइम क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, यानी वो डिपेंड कहीं पे नहीं करता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो, चलो यहाँ तक मैं वही चीज लिखा और रिलेशन निकाला यहाँ से भी, टी हाफ का वैल्यू होता है 0.693 बाई के, ठीक है, जिसको हम ऑलमोस्ट ले सकते हैं 0.7 बाई के ले सकते हैं हम लोग। ए वैल्यू क्या होता है, ए वैल्यू आपके कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, तो कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो 50% कंप्लीशन का टाइम क्या सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आप 100 से स्टार्ट करते हो तो 100 से 50 आने में जो टाइम लगेगा वही टाइम लगेगा आपको 50 से 25 आने में। 100 से 50 मतलब 50% और 50 से 25 मतलब फिर से 50%, दोनों टाइम क्या सेम रहेगा, ठीक है। ए टाइम और टाइम दोनों सेम है। कभी कभी कोई लोग पूछता है कि 100 से 50 का टाइम अगर टी है और बोलता है कि 100 से 25 का टाइम क्या होगा, और अगर अगर बोला गया रिएक्शन का ऑर्डर बोला गया है, ऑर्डर फर्स्ट है, उसके इसमें क्या होगा, तो बोलोगे 100 से 50 मतलब 50% का टाइम अगर टी है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 50 से 25 का भी टाइम क्या टी ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी क्या 50% रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ टी और यहाँ टी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ होगा 2t, यहाँ होगा 2t, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ठीक है, कि 100 से 50 का टाइम अगर टी 100 से 50 का टाइम अगर टी है और बोला है कि ऑर्डर 1 है, ठीक है, तो इस केस में आपका 100 से 25 का टाइम 2t है, क्योंकि 50 से 25 का टाइम भी टी लगने वाला है, ठीक। इसी को रिवर्स तरीके से बोला जाता है कि अगर आपका 100 से 50 का टाइम अगर आपके पास टी है, 100 से 50 का टाइम अगर टी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बोल रहा है कि 100 से 25 का टाइम अगर टूटी दिया हुआ है, आपसे बोलता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। आपको गिवन दिया रहेगा कि 100 से 50 का टाइम अगर टी है और 100 से 25 का टाइम अगर टूटी है तो व्हाट इज द ऑर्डर, आपको बोलेगा ऑर्डर क्या बताओ मेरे को, बताना ना। आप सोच सकते हो ना कि अगर 100 से 50 का टाइम अगर टी है और 100 से 25 का टाइम अगर टूटी है तो 50 से 25 का टाइम क्या होगा, टी, तो टी लगेगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि जो 50% यहाँ भी है और 50% यहाँ भी है, 50% जो कॉम्प्लीशन है उसका टाइम क्या, दोनों में सेम है। तो ये किसका किस रिएक्शन का करेक्टरिस्टिक्स होता है कि टाइम इंटरवल कॉन्स्टेंट रहेगा फॉर सेम कॉम्प्लीशन के लिए, तो ये होता है ऑर्डर 0 का, इसका मतलब क्या होगा, सॉरी ये होगा आपका ऑर्डर 1 के लिए। तो इस रिलेशन से हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 50% का जो टाइम है और कॉम्प्लीशन है वो दोनों में सेम है, इसका मतलब क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऐसा भी आपको पूछ सकता है, आपको ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है। ध्यान दोगे तो बोला गया है कि अगर आप बात कर रहे हो किसका, बात करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप कोई भी टाइम इंटरवल बस टी हाफ का बात नहीं कर रहा है, कोई भी टाइम इंटरवल इंडिपेंडेंट ऑफ टी होगा, ठीक है, यह मतलब समझोगे। जैसे बात करते हैं
तो अगर बात करें फर्स्ट ऑर्डर का, इसी को ध्यान, इसी को अच्छे ध्यान सुनना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ध्यान देना, एनी टाइम इंटरवल, इंटरवल इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी आर नॉट से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, ऐसा मतलब समझ, अगर मान लेते हैं तेरे पास अगर तुम लिखे थे कि अगर टाइम, और अगर टाइम टी हाफ का बात करता, टी हाफ में आरटी का वैल्यू क्या था, आरटी का वैल्यू हो गया था आपका आर नॉट बाई टू। इसको पुट करेंगे इक्वेशन में, इक्वेशन क्या आ चुका था आपका, के टी हाफ इक्वल टू लॉन टू आ गया। तो देखोगे टी हाफ जो है उसका वैल्यू, उसके वैल्यू में कहीं भी कोई भी आर नॉट का, आर नॉट का, आर नॉट का कहीं भी कोई भी, कहीं भी एक्सप्रेशन में कहीं भी आर नॉट नहीं है। सिमिलरली बात करते हैं हम लोग टी वन बाई फोर लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा, आर टी होगा थ्री बाई फोर आर नॉट होगा। इसको तुम पुट करो तो क्या होगा, के टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉन आर नॉट बाई आर टी, आर टी के वैल्यू को पुट कर एक कैंसिल हो क्या जाएगा, लॉन फोर बाई लॉन बाई थ्री हो जाएगा। तो यहाँ भी देखोगे तो यहाँ यहाँ पे, यहाँ पे वो टी हाफ नहीं है, आप टी वन बाई फोर करना है ना, तो यहाँ पे क्या है टी वन बाई फोर था। तो अब देख रहे हो कि टी जो वन बाई फोर है उसमें भी देखो तो क्या होगा, टी वन बाई फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉन फोर बाई थ्री बाई के, तो भी क्या है, भी कांस्टेंट है। अब आप निकालोगे तो कोई भी टाइम इंटरवल जो निकालोगे ना उसका टाइम क्या है, सेम है। इसका मतलब समझोगे, इसका मतलब समझ कि अगर मान लेते हैं कि 50% का मतलब क्या होता है, यानी टी हाफ, इसका मतलब टी हाफ का मतलब क्या है, तो ध्यान देना कि 100 से 50 का टाइम अगर टी लगेगा तो 50 से 25 का टाइम भी टी लगेगा, 25 से क्या था, यानी 12.5 होने का भी टाइम क्या लगेगा, टी लगेगा, और इसका आधा कितना होता है 6.25, उसका भी टाइम क्या लगेगा, टी लगेगा। मतलब ऐसा आप सोच सकते हो कि 50% होने का टाइम हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, किसके लिए, जब ऑर्डर का फर्स्ट होगा। अगर बोल रहे हैं कि हमको 60% सोचना है तो 60% का कैसे सोचेंगे, ध्यान देना, अगर मानते हैं 100 से स्टार्ट होता है, 100 का 60% कितना होता है 60, तो अगर 60% कंज्यूम हो रहा है प्रोसेस में तो बचेगा कितना, बचेगा 40, तो इसका टाइम कितना टी अगर है, तो ध्यान देना 40 का 60% कितना होता है, तो 40 का 60% होता है 24, बचेगा कितना, बचेगा आपका 16, तो यहाँ भी टाइम टी ही लगेगा। 16 का 60% कितना होता है जी, अगर निकालो 16 का 60% तो आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा ये 96, यानी 9.6 हो जाएगा। तो 9.6 को माइनस करते तो कितना बचेगा, तो बचेगा 6.4 बचेगा, तो यहाँ भी टाइम क्या लगेगा, टी लगेगा। तो ये ध्यान देना, ठीक है। तो 60% कंप्लीशन का टाइम देखो सब में सेम लग रहा है, तो मतलब ये अगर ऑर्डर अगर वन होगा तो आप ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, सिंपली बोला 40% या 20% मानते हैं, तो 20% का मतलब क्या होगा, अगर स्टार्टिंग है 100, तो 100 से 20% कितना होता है 100 का 20% 20 होगा, तो 20 कंज्यूम हो रहा है तो बचे कितना, यहाँ आर टी बचे कितना, तो बचे 80 का 20% कंज्यूम करते हैं तो 80 का 20% कितना 16 होगा, तो बचे कितना 64। तो बोला जा रहा है कि 20% का जो टाइम लग रहा है यहाँ टी, तो यहाँ भी टाइम टी ही लगेगा, सेम टाइम लगने वाला है। 64 का 20% कितना होगा, क्योंकि 12.8, तो 12.8 को माइनस कर इसमें से, ठीक है, तो 12.8 को माइनस करो तो बचेगा कितना, तो बचेगा 51.2 बचेगा। तो यहाँ भी टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस समझो आप ध्यान से। ठीक है, तो 50% में क्या होगा, 60%, मतलब कोई भी टाइम इंटरवल हो आपके टाइम उस इंटरवल के लिए क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। कब, जब ऑर्डर क्या होगा फर्स्ट होगा, जब ऑर्डर क्या होगा फर्स्ट होगा। ठीक है,
तो यही पॉइंट था आपको जो समझना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन क्या होगा ना, क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात जो आप लोग जो मल्टी जो बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहेगा जिसको आप फॉर्मूलास नहीं बना पाओगे, बहुत टाइम टेकिंग होगा, आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर पाओगे, आप विद इन सेकेंड इसे सॉल्व कर पाओगे इस, अगर आपको इतना समझ में आ रहा तो, ठीक है। आपको समझना है कि जो टाइम इंटरवल है, एक फिक्स टाइम इंटरवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, उसका टाइम सेम रहेगा, चाहे 50% हो, चाहे 60% हो, चाहे 20% हो, उस वो जो टाइम टेकिंग है उस इंटरवल के लिए वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको अप्लाई करेंगे हम लोग, ध्यान देना। तो वही चीज समझ, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको मैं समझा रहा था वहाँ पे, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी टाइम इंटरवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर नॉट एंड आर टी, ठीक। अब ना कभी कभी को आपसे क्वेश्चन कभी कभी बोलेगा कि आपको टी हाफ दे देगा, मान लेते हैं आपको टी हाफ दे देगा क्वेश्चन में, कि टी हाफ दिया हुआ है और टाइम टी दिया हुआ है, और बोलेगा और आपको आर नोट दिया हुआ आपको, और आपको बोलेगा आपको आर टी फाइंड करो, फाइंड आर टी। आपको आर नोट दिया क्वेश्चन में, आपको टी हाफ दिया हुआ, टी दिया हुआ है, आपसे बोले आर टी फाइंड करो, तो इसके लिए फॉर्मूला एक होता है, तो फॉर्मूला क्या आपके पास है, तो आर टी इक्वल टू क्या होगा, आर टी इक्वल टू होगा आर नोट क्यू टू पावर ए होगा, और जो ए होगा ए को हम लिख सकते हैं, ए क्या है तो टाइम टी बाई टी हाफ, टाइम टी बाई टी हाफ, ये होगा आपका ए, ये होगा आपका ए, ठीक है। तो आर नोट टी हाफ टी में, तो ऐसा आप सोच सकते हो, ऐसा आप सोच सकते हो, ठीक है। आज ये जो फॉर्मूला है, ज़्यादा फॉर्मूला आप यूज करोगे फिजिक्स में, फिजिक्स में कब यूज करोगे, जब आप पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी, वहाँ पर ये चीज़ आप ज़्यादा यूज करोगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया है, हम लोग चलते हैं डायरेक्टली। कुछ कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या था ना, आपको दिया क्या हुआ, आपको दिया हुआ है आर नोट दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला है टी हाफ, एक कॉलम आर नोट का है, एक कॉलम टी हाफ का है, एक कॉलम आर टी का है, और यहाँ टाइम दिया हुआ है। तो बोला गया पहल, यहाँ देखना कि पहल शुरू का जो चार क्वेश्चन है उसमें आपको आर टी फाइंड करना है, आपको आर नोट टी हाफ और टाइम दिया हुआ, आपको आर टी फाइंड करना है, ठीक है। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इस फिफ्थ क्वेश्चन में आपको आर नोट दिया हुआ है, टी हाफ दिया हुआ, आर टी दिया हुआ, आपको टाइम पता करना है, ठीक है। अब शुरू का पांच क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, जल्दी से फास्ट। आपको बीनिंग का फाइव क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दी से। चलो ध्यान से सुनना, मैं सॉल्व करूँ क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इस इन सारे क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपका ऑर्डर क्या फर्स्ट है, ये सारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ध्यान दोगे, पहले केस में आर नोट 100 है और टी हाफ 10 सेकेंड है, टी हाफ 10 सेकेंड है, और बोला गया 40 सेकेंड के बाद आपको आर टी निकालना है, यानी कितना बचा होगा, ध्यान देना। तो आप देखो कि 40 सेकेंड में कितने बार टी हाफ रिपीट करेगा, यानी 40 सेकंड में 10 कितने बार 10 सेकंड आएगा, तो चार बार आएगा ना, 40 सेकंड का 10 सेकंड को आप ऐड करो, तो चार बार 10 सेकंड को ऐड करो तो 40 सेकंड पहुंचेगा। तो बेसिकली है कि इस टाइम इंटरवल में टी हाफ कितने बार रिपीट करेगा, तो चार बार रिपीट करेगा। इसका मतलब आपका जो आर नोट का वैल्यू अगर स्टार्टिंग अगर 100 है तो चार बार वो आधा होगा, तो 100 का आधा कितना होता, 50। ये पहला टी हाफ हो गया, यानी पहला 10 सेकंड में काम होगा, अगले 10 सेकंड में फिर से आधा होगा, तो अब इसका होगा 25,
अगले 10 सेकंड फिर से आधा होगा अपना, ये हो जाएगा 12.5, और अगले 10 सेकंड फिर से अपना आधा होगा, यानी क्या हो जाएगा 6.25। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले का आंसर हो जाएगा 6.25। ठीक है, तो ऐसे निकालना है। सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना, सेकंड क्वेश्चन ध्यान दोगे, आपका आर नोट 512 है और आपका 16 सेकंड टाइम है और टी हाफ 4 सेकंड है, तो देखोगे 16 सेकंड में आपका टी हाफ 4 बार रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये जो 512 है इसको 4 बार आप आधा करो, 512 जो है उसे 4 बार आप आधा करोगे। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दोगे तो 512 को 4 बार को आधा करना मतलब क्या हो, पहली बार ये हाफ होगा तो कितना होगा, तो होगा 256, उसका फिर से हाफ होता कितना बार होगा, ये 128, फिर से हाफ करो कितना हो 64, फिर से हाफ करो कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 32 हो जाएगा, यानी 16 सेकंड के बाद आपका जो आर टी का वैल्यू बचेगा वो 32 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, आपका आर नोट है 9000, टी यहाँ पर 10 साल और टाइम दिया हुआ है 20 ईयर्स, तो इसमें आपका देखोगे दो टी यहाँ लगने वाला है, दो टी यहाँ लगने वाला है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ध्यान देना, अगर दो टी यहाँ लगने वाला है तो ध्यान देना, तो इसका 9000 को दो बार आप आधा करोगे तो पहली बार आधा होगा तो कितना होगा 4500 होगा, और फिर से आधा करोगे कितना होगा 2250 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 2250 होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में था ना, यहाँ पे आपका आर नोट दिया है 5000 और टी हाफ दिया हुआ है 4 ईयर, इसको 4 ईयर सोचना। ठीक है, या इसको आप 5 ईयर सोच लें, टी हाफ दिया हुआ आपको 5 ईयर और टाइम दिया हुआ 20 ईयर, तो अब तो 20 ईयर में टी हाफ कितने बार है, 4 बार आएगा, तो आपका इसका आंसर कितना होगा, आंसर होगा 5000 को 4 बार आप आधा करो, पहले होगा 2500, फिर करो तो कितना होगा 1250 होगा, फिर से कितना होगा 625 होगा, और फिर से एक बार आधा करना, आधा करना कितना होगा 312.5 होगा, यानी इसका आंसर होगा 312.5 होगा। ठीक है, ना लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें आर नोट का वैल्यू 1024, टाइम है टी यहाँ पर 10 सेकंड और आर टी है फोर, तो बोला था कि यहाँ से 4 आने में आपको कितना टाइम लगेगा, तो बहुत सिंपल है, आप क्या करना, आप इसे स्टार्ट हो जाए तो 1024 है तो उसे आधा कर तो कितना होगा, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 512 हो जाएगा, 512 का आधा कर ले कितना हो जाएगा 256 होगा, इसका आधा कर कितना होगा 128 होगा, इसका आधा कर कितना होगा 64 होगा, इसका आधा कर कितना होगा 32 होगा, उसका आधा कितना होगा 16 होगा, उसका आधा कितना होगा 8 होगा, उसका आधा कितना होगा 4 होगा, मतलब आपको यहाँ पहुँचना है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, आपको पहुंचना है यहाँ, तो काउंट करो कितने बार आपका आधा करना है आपको, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, यानी आपका 8 बार टी हाफ रिपीट करेगा, टी हाफ यहाँ पे 10 सेकंड है, तो आपको इसको 8 बार करने मतलब कितना होगा 80 सेकंड लगने वाला है, 80 सेकंड्स लगने वाला है। ठीक है, इसका आंसर 80 सेकंड्स होगा। प्रोसेस क्लियर बच्चे लोग, कैसे कर रहे हैं हम लोग कि नहीं, yes, sir. आसान, डिफिकल्ट है प्रोसेस, आसान लगा, यस सर। ठीक है चलो, इसको और एक और क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन अप्लाई करके दिखाते हैं। ठीक है, कि देखो ड्यूरिंग एग्जाम आपको कैसे सॉल्व करना हो इम्पोर्टेंट आपके लिए है। क्यों वहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया आपके सामने, इफ 60% ऑफ रिएक्शन, इफ 60% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 60 मिनट्स, तो 60% रिएक्शन जो खत्म हो रहा है 60 मिनट में खत्म हो रहा है,
और उसी सेम रिएक्शन का जो 50% है वो खत्म हो रहा है वुड बी कंप्लीटेड इन, ठीक है। तो आपको ध्यान देना, आपको 60% का टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 मिनट दिया हुआ है। तो 60% खत्म होने का फर्स्ट ऑफ टाइम 60 मिनट दिया हुआ है, आपसे पूछा कि 50% खत्म होने का टाइम कितना होगा, ठीक है, यानी आपको टी हाफ मांगा है। तो अगर इसको अगर आप सिंपल अगर फॉर्मूला यूज करोगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, इवन क्वेश्चन सॉल्व करने आपको मुश्किल होगा क्योंकि उसमें लॉग का टर्म आता है, लॉग का टर्म निकालने में आपको दिक्कत होगा, ठीक है। देखो तो लॉजिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका लॉजिकल सॉल्यूशन क्या होगा ध्यान देना आप लोग। तो आपको दिया हुआ कि 60% का जो टाइम होता है यानी 100, अगर हम मानते हैं बिगिनिंग का अमाउंट अगर 100 है तो 100 से 40 जाने का टाइम कितना लग रहा है, तो इसका टाइम दिया हुआ है, इसका टाइम दिया हुआ है आपको 60 मिनट। आपसे बोला कि 50% यानी 100 से 50 जाने टाइम आप निकालो, इसका टाइम आपसे मांगा गया है, ठीक है, इसका टाइम आपसे मांगा गया है। अब ध्यान देना इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हो, ध्यान देना। तो हम क्या ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ से हम स्टार्टिंग क्या कर रहे हैं ना, चलो इसको मैं आपको अलग से बना के दिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन है आपके रेफरेंस के लिए सॉल्यूशन में दे दिया हूँ, इसको मैं अलग से आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना, जैसे मान ले कि हमको क्या बोला गया कि 60% का टाइम, टाइम दिया हुआ 60 मिनट, तो 50% का टाइम हमको फाइंड करना था, यही था ना क्वेश्चन। तो ध्यान देना कब, जब ऑर्डर होगा वन, जब ऑर्डर होगा वन, ध्यान ना, 100 से का 60, अगर हम बोलते हैं 100 का 60% 60 होगा तो बचेगा 40, इसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 60 लगेगा। 40 का 60% कितना होता जी, तो 40 का 60% होता 24, तो 24 अगर कंज्यूम होगा तो बचेगा कितना, तो बचेगा 16, तो यहाँ भी टाइम लगेगा 60। 16 का देखोगे तो 16 का 60% कितना होता है, तो होता 9.6, तो बचेगा कितना, तो बचेगा 6.4 बचेगा, तो यहाँ भी टाइम कितना लगेगा, 60 लगने वाला है, ये ध्यान देना। अब आते हैं 50% पे, तो ध्यान ना कि 100 से 50 का टाइम अगर हम टी बोलते हैं, 50 से 25 का टाइम कितना लगेगा, ये भी टी रहेगा, 25 से यानी इसका जो आधा होता है यानी 12.5 का भी टाइम क्या लगेगा, टी लगने वाला है, और 12.5 का आधा कितना होता है, 6.25 होता है, यहाँ का भी टाइम टी लगेगा। तो अगर हम मानते हैं कि ये दोनों वैल्यू अगर ऑलमोस्ट सेम है यानी 6.4 और 6.2 ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो हम इस अगर ये बोल रहे हैं तो उस केस में आपका 6.4 आने में टाइम कितना लग रहा है, तो यहाँ टाइम देखो टाइम लग रहा है 60 + 60 + 60 यानी 180, और यहाँ टाइम कितना टी 40। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 मिनट्स। यहाँ पर टाइम क्या, टी कितना निकल कर जाएगा, ये हो जाएगा 45 मिनट्स, यानी आपका 50% टाइम इंटरवल है उसका वैल्यू कितना आ रहा है, उसका वैल्यू निकल कर जाएगा 45 मिनट, ठीक है। ये सॉल्यूशन क्लियर हो, चलो आप लोगों, ठीक है। अप्रोच कैसे करना है, हम लोग जब भी कंपटीशन क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें लॉग का टर्म, लॉग यानी फॉर्मूला जिसका यूज ही नहीं करेंगे, आपका चाहे एडवांस का क्वेश्चन हो, चाहे जेई मेन का क्वेश्चन हो या नीट का क्वेश्चन हो, हम लोग लॉजिक पे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कैंडिडेट्स का। तो जितना फॉर्मूला एप्लीकेशन जो सीखे ना वो सीख ले रहे हैं, बट क्वेश्चन आपका लॉजिक पर सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करें मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है, तो हम लोग का फोकस रहेगा कि टाइम को मिनिमाइज कैसे करना है, आपके टाइम को मिनिमाइज कैसे करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो बाकी जो बचा और जो है फर्स्ट ऑर्डर का जो जो भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।